क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं ईशा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम बिहार में। तो रुक करते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर। नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू यादव परिवार की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जहां अब इस मामले में ईडी ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पूछताछ के लिए बुलाया था। इससे पहले इसी मामले में सीबीआई ने राबड़ी देवी से पूछताछ की थी। बताया जा रहा है कि राबड़ी देवी इस मामले में धन शोधन रोकथाम कानून के तहत अपना बयान दर्ज कराया है। वहीं इस मामले में पहले ही ईडी तेजस्वी यादव और मीसा भारती से भी पूछताछ कर चुकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विवेक पांडे जुड़ चुके हैं। तो विवेक, एक बार फिर से राबड़ी देवी को इस मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है, तो क्या कुछ अपने बयान में राबड़ी देवी ने बताया है ईडी को? अच्छा, बिल्कुल, जिस तरीके से लैंड फॉर जॉब मामले में लगातार सीबीआई और ईडी लगातार लालू परिवार पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है कि कहीं से कोई सुराग मिल जाए, आज इसी बीच आज राबड़ी देवी को दिल्ली स्थित ईडी दफ्तर बुलाया गया कि जहां उनसे पूछताछ की जाए। लेकिन उनके बाद अभी तक कोई भी ऐसी कही जाए तो ऐसी कोई खबर नहीं आई कि राबड़ी देवी से कोई ऐसी सूचना मिली है। लेकिन वही लंच के बाद दोबारा से फिर से राबड़ी देवी से पूछताछ चल रही है कि लैंड फॉर जॉब मामले में क्या किनके आरोपी है, किनके लोगों को जो जमीन के बदले नौकरी दी गई है, इन सारे मामलों को लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो आरजेडी के जो तमाम जो नेता हों लगातार बीजेपी पर गिरने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी जब से बिहार से सत्ता से बाहर गई है तब से लगातार हम लोग को रोकने के प्रयास कर रही है, हम लोग को सत्ता को बेदखल करने के प्रयास कर रही है, लेकिन इनका होने वाले नहीं है। बिहार की जनता और देश की जनता सब जानती है कि किस तरीके से इन लोग एजेंसियों पर दुरुपयोग करते हैं। अब यह देखना होगा कि राबड़ी देवी से आज जो पूछताछ चल रही है उसके पूछताछ के बाद क्या निष्कर्ष निकल दिए। जी, तो इससे पहले भी राबड़ी देवी को बुलाया गया था ईडी के द्वारा, अब ऐसी पहले जो बयान दिया गया था, ऐसी क्या चीजें हैं जो पहले के बयान में राबड़ी देवी ने नहीं बताई जो कि अब इस बयान में ईडी उनसे पूछताछ में पता करना चाहती है? अजी, बिल्कुल, जिस तरीके से विधानसभा के सत्र चल रहा था उस समय भी राबड़ी देवी से पूछताछ की गई थी, लेकिन राबड़ी देवी ने उस समय भी कई घंटों 8 से 9 घंटे तक अपनी आवाज पर सीबीआई और ईडी को टीम को सारे दस्तावेज पेश किया, लेकिन उस समय भी कुछ नहीं पता चला। उसके बाद जो राबड़ी देवी उस समय कहा गया कि इन लोग कितनों भी नाक में दम लगा ले, लेकिन हमारे पास जो साक्ष्य रहेगा वो साक्ष्य सीबीआई हो चाहे ईडी हो उनके पास रखेंगे, जो दूध का हो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इन लोग लगातार प्रयास जो हमको घेरने की प्रयास कर रही है, इनको पूरी तरीके से ये फेल है और ये लोग सिर्फ एजेंसियों को दुरुपयोग कर रहे हैं। एजेंसियों को ये तक याद नहीं होगा कि कितने बार हम लोगों से पूछताछ की है। जी, तो ये जो घोटाले का मामला है नौकरी के बदले जमीन का घोटाले का मामला है, क्या कुछ मामला है विवेक, एक बार विस्तार से बताइए। अजी, बिल्कुल, जिस तरीके से जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे उस समय जमीन नौकरी के बदले जमीन लिखवा लिया करते थे, ऐसा आरोप है। अब ये आरोप कितना सही आरोप है या कितना गलत आरोप है यह तो देखना हो। जब लोगों का मानना है कि 2004 से जब 2009 तक जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे उस समय ये लोगों ने कई लोगों का जमीन लिखवाया था, जिसमें पिछले आरोप इसमें देखा था कि जो लालू प्रसाद यादव के करीबी भोला यादव है, भोला यादव की गिरफ्तारी हुई थी दिल्ली में सीबीआई के द्वारा,
उसके बाद जो है बिहार के जो अभी उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव, उनसे भी पूछताछ की गई उस समय, और उनके साथ साथ लालू प्रसाद यादव से भी कई बार पूछताछ की गई, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं पता चला। इसमें जो आरोपित हैं, कई आरोपित हैं, लालू यादव के साथ उनके कई विधायक हैं, कई विधायकों भी आरोपित। दो दिन पहले आपने देखा कि भोजपुर के जो विधायक हैं उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, लेकिन वहां पे भी कुछ नहीं पता चला उनके। अब जो आज राबड़ी देवी से जो पूछताछ चल रही है, क्या राबड़ी देवी के बाद पूछताछ के बाद क्या क्या निकल कर आता है यह देखना होगा, क्या सच में दोषी करार होती है राबड़ी देवी या उनकी जो है मुश्किलों है वो कमयाब होती है। जी जी, धन्यवाद इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विवेक। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जाति आधारित जनगणना पर रोक लगाने वाले पटना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार को 3 जुलाई को हाई कोर्ट के समक्ष मामले पर बहस करने के लिए कहा गया है। वहीं मामला अभी हाई कोर्ट में लंबित है और सुप्रीम कोर्ट अब इस मुद्दे पर 14 जुलाई को सुनवाई करेगा। वहीं अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे साथ विवेक जुड़ चुके हैं। तो विवेक, ये जाति जनगणना का मामला क्या है, ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर बिहार सरकार लगातार प्रयास कर रही थी कि बिहार में जातीय जनगणना हो जाए, इसके बाद उन लोगों ने केंद्र सरकार से भी मिला, कई बार केंद्र सरकार ने ठुकराया कि हम लोग नहीं करवा सकते हैं जातीय जनगणना केंद्रीय स्तर पर। तो इन्होंने अपने अपने राहत कोष से 500 करोड़ की लागत से बिहार में जातीय जनगणना करवाने का फैसला लिया, जो कही जाए तो राज्य सरकार दावा कर रही है कि 80% काम हो चुकी है। उसके बाद जो हाईकोर्ट ने जो फटकार लगाया है कि हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान के जो केंद्र के जो अधिनियम है उनके उल्लेख में है, अब ऐसे में जो अब सुप्रीम कोर्ट में लोग दायर किए थे केस, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया कि भाई जब लंबित केस हाईकोर्ट में है तो हाईकोर्ट जब तक सुनवाई नहीं करती है तब तक हम लोग इसका कोई जवाब नहीं दे सकते। इसलिए जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट 3 जुलाई को दी है डेट की 3 जुलाई को उस पर सुनवाई की जाए, 3 जुलाई को अगर सुनवाई नहीं करती है तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 जुलाई को इस पर विचार किया जाएगा, क्या जो बिहार में जातीय जनगणना हो रही है क्या जातीय जनगणना सही ढंग से की जाए या नहीं की जाए। जी, ये जाति जनगणना पे जो रोक लगाई है हाईकोर्ट ने, क्या कुछ कारण रहे जिनकी वजह से हाईकोर्ट ने इस पे रोक लगाई है? जी बिल्कुल, आपको याद होगा जब 2011 में भी जब जातीय जनगणना करवाई जा रही थी यूपीए गवर्नमेंट के तरफ से, उस समय भी कुछ ही कारण बस कुछ डेटा कलेक्ट किया गया था, जो डेटा जो प्राइवेट डेटा को पब्लिश कर दिया गया था उस वजह से उस समय भी रोक लग गई थी। उसमें एक केंद्र का अधिनियम होता कि केंद्र इस जातीय जनगणना को कराए, लेकिन राज्य सरकार के अधिनियम में नहीं है, राज्य सरकार इस पे जोर जबरदस्ती करवा रही थी, जब से ही जातीय जनगणना करवा रहे थे तब से लगातार ये घिरे हुए थे। अब ये जातीय जनगणना को लेकर जिस तरीके से हाईकोर्ट ने फटकार लगाया, इसी उल्लेख में हाईकोर्ट ने कहा कि भाई आप जातीय जनगणना करवा रहे या जाति गणना करवा रहे, यह दोनों साक्ष्य आपके पास रखना होगा, क्या आप पे किसी के आपको पूछने का अधिकार है या नहीं है, किसी से जाति हो, किसी का आपके पास कितने संपत्ति हो, कितने क्या हो, ये सारे पूछने के आपके पास नियम है या नहीं है, उसके आप कोर्ट के सामने पेश करें, उसके बाद ही इस पर विचार किया जाएगा। बात कर ली जाए तो जिस तरीके से जाति जनगणना एक चरण के बाद दूसरे चरण, जब दूसरे चरण 15 मई को पूरा होने वाले थे, 15 मई से पहले ही इस पर रोक लगा दी गई, अभी रोक अब 3 जुलाई तक रोक लगी है। 3 जुलाई को का कोर्ट जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट इस पर फैसला क्या सुनाती है वो देखना होगा, अगर हाईकोर्ट फैसला नहीं सुनाती है तो 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती है, उसके बाद देखना होगा। जी जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद विवेक। वहीं नालंदा में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालन सिंह के द्वारा बीते दिनों मुंगेर में मटन और पुलाव पार्टी पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के बयान पर मंत्री श्रवण कुमार ने पलटवार किया है, जहां मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि इस तरह के बयान देने वाले को अपने बारे में सोचना चाहिए। कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी की तरफ से मुंगेर लोकसभा को तरफ से सम्मान समारोह रखा गया था, उसी में खाने पीने का इंतजाम किया गया था, जिसमें अब विपक्ष इस महाभोज को लेकर अनर्गल आरोप लगा रहा है।
उसी में खाने पीने का भी इंतजाम था। फिर इस तरह के जो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं और लगाने वाले विपक्ष के नेता हैं, नेता विपक्ष की मामूली कुर्सी नहीं होती है, तो नेता विपक्ष तो अपना पूरा आपा खो चुके हैं, परेशानी में, हड़बड़ाहट में, कुर्सी जा रही है देश से उसकी चिंता है। यानी लगता है कि जो व्यक्ति इतनी बड़े जगह पर बैठा है उनको पार्टी ने राष्ट्रीय वही मुजफ्फरपुर की शाही लीची का स्वाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी इस बार भी ले सकेंगे, जिसको लेकर प्रशासनिक तैयारी शुरू कर दी गई है और इस संबंध में बैठक भी की गई है, जिसकी जानकारी प्रभारी डीएम सह डीडीसी आशुतोष ने दी। बताया जा रहा है कि शाही लीची उपहार स्वरूप दिल्ली बिहार भवन भेजी जाएगी, साथ ही कई अन्य गणमान्यों को भी भेजी जाएगी। लीची का स्वाद सभी जो गणमान्य व्यक्ति उन तक पहुंचा सके। इस बार तो कई साल के बाद बढ़िया लीची का जो इस बार जैसा मिल रहा है कि उत्पादन अच्छा होने की उम्मीद है। लीची टास्क फोर्स की भी बैठक हम लोगों ने की है, जिसमें सभी जो लीची उत्पादक किसान हैं उनको उनके विचारों को सुना गया, उनमें जो समस्याएं आ रही उनको भी सुना गया है। और हम लोगों ने इस बार एक दिक्कत ये निकल के आ रही थी कि जो लीची लेकर के आने वाली पिकअप वैन्स हैं वही मुजफ्फरपुर में पुलिस को एक बार फिर से कामयाबी हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि बीते दिन मोतीपुर थाना क्षेत्र से एक फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूटपाट का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने इस कांड को ना सिर्फ खुलासा किया बल्कि कांड में संलिप्त आधा दर्जन आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार भी कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है और उनकी जो बाइक थी उसको और उनका जो मोबाइल था उसको भी छीन लिया गया था। इस आलोक में मोतीपुर में 146 नंबर कांड प्रतिविधित किया गया था और पश्चिमी डीएसपी श्री अभिषेक आनंद के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें डीएसपी पश्चिमी और मोतीपुर के थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार और उनकी पूरी टीम लगातार काम कर रही थी। और 24 घंटे के अंदर ही इसमें हम लोग को एक इनपुट प्राप्त हुआ, उस इनपुट के आधार पर जो SIT थी उसके द्वारा रेड की गई और आज इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। तो आपको बता दें पुलिस ने लूटपाट मामले में एक बड़ी सफलता हासिल की है। लूटपाट मामले में बड़ा खुलासा करते हुए उन्होंने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अपराधियों के पास से कई बंदूकें भी बरामद हुई हैं। वहीं मुजफ्फरपुर के ही सरिया थाना क्षेत्र में लूटपाट करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार अपराधी क्षेत्र में सक्रिय होकर राहगीरों से लूटपाट करते थे। इसी दौरान सरिया थाना क्षेत्र के विशारप्ती के पास एक व्यक्ति से मोबाइल लूट की वारदात की गई, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पुलिस ने दो शातिर लुटेरों को भी गिरफ्तार किया है और पुलिस को लुटेरों के पास से चोरी के कई मोबाइल भी बरामद हुए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कांड संख्या 247-23 दर्ज किया गया था। कांड का तकनीकी अनुसंधान कर दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। एक का नाम है बंटी कुमार, पिता जितेंद्र सिंह, दूसरे का नाम है बीकी कुमार, पिता शिवचंद्र राम। गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से कुल 3 मोबाइल बरामद किया गया है, जिसमें एक मोबाइल छीना हुआ है और 2 मोबाइल भी छीना हुआ है। उस मोबाइल के मालिक का पता किया जा रहा है। घटना में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए प्राइम बिहार के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक
जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। पहुँचेंगे हम वहाँ जहाँ हर खबर दबाई जाती है। दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है उजल। पहुँचेंगे हर जिले के कोने कोने तक। जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। खबरों में रफ्तार, बेखौफ अंदाज। प्रदेश में बनेंगे आपकी आवाज। प्राइम टीवी, सच साहस और सरोकार के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका प्राइम बिहार में। बिहार के गया नगर निगम उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया जारी है। इस कड़ी में गया के वार्ड नंबर 33 के पूर्व पार्षद असद परवेज उर्फ कमांडर ने वार्ड नंबर 26 से नामांकन पत्र दाखिल किया है, जहां पूर्व पार्षद असद परवेज उप कमांडर ने बताया कि हमने वार्ड नंबर 33 से चुनाव लड़ा था और 30 वोटों से हार गए थे। अभी बाई इलेक्शन हो रहा है जिसमें हमने वार्ड 26 से नामांकन भरा है। आदमी को नहीं जिताइए कि जो पूरे शहर को परेशान करे, पूरे शहर के पैसा आपके टैक्स के पैसा को बर्बाद करे और लोग परेशानी में पड़े, आपका काम सही से नहीं हो। आज देखिए बुटको आया है, वो बुटको जो काम कर रहा है वो आप लोग भी देख रहे हैं। आज इतना दिन हो गया तब भी यहाँ पानी की समस्या बनी हुई है, लोग उस पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जबकि बुटको जितना पाइपलाइन बिछा रहा है, ना बालू दे रहा है, ना कुछ कर रहा है, जो आगे चल के भी परेशानी का सबब बन। वहीं अगली खबर भागलपुर से है, जहां ईसीपुर बाराहाट से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां ईसीपुर बाराहाट में चल रहे एक निजी स्कूल के संचालक को अपराधियों द्वारा लगातार बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। जहां भागलपुर के ईसीपुर बाराहाट के बरमसिया में चल रहे विद्यालय राइजिंग फ्यूचर पब्लिक स्कूल के संचालक श्याम चंद्र महतो ने बताया कि अपराधियों द्वारा लगातार कई महीनों से धमकी मिल रही है, जिसकी लिखित सूचना थाने में दी गई, लेकिन थाने के उदासीन रवैये को देखते हुए आवेदन भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार को दिया गया है, जहां उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही संज्ञान लिया जाएगा। फील्ड विजित वादे बच्चे को खेलने के लिए आवेदन 30 तारीख को हम परसों आवेदन दिए, 30 तारीख को दिए थे, तो बोले कि ठीक है ऐसा करो तुम आओ, फिर बाद में हम देखेंगे जैसा होगा। 6 तारीख को गए तो 6 तारीख को बोले कि नहीं सोमवार को आओ, जैसा होगा ना हम बात करते हैं। इसके बाद भी इसके बीच में 5 तारीख को मिल के सब पैसा वैसा 22,000 रुपया छीन लिए, बोले रंगदारी नहीं देगा ना स्कूल और बच्चा सही थे बम से उड़ा देंगे, रंगबाजी मांगते हैं। कौन बोला? टुटू टाइगर। और थाना में आवेदन दिए? थाना में आवेदन दिए। तो क्या बोले थाना में? बोले कि ठीक है हम आएंगे जांच पड़ताल में, अभी तक भी नहीं आए। वहीं बिहार के भागलपुर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां कहलगांव रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक संदिग्ध शव को पुलिस ने देर रात बरामद किया, जिसके बाद रेलवे पुलिस ने शव को ठेले पर लादकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिससे मृतक के शरीर के कई अंगों में चोट के निशान है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। वहीं नालंदा जिले के पावापुरी मेडिकल कॉलेज के पारा मेडिकल छात्रों ने अपने 6 सूत्री मांगों को लेकर 10 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जो ओपीडी सेवा बंद कर दी गई है। वहीं पारा मेडिकल छात्रों को की मांग है कि पारा मेडिकल काउंसिल का गठन किया जाए और सभी ट्रेंड में से 2-2 सदस्यों को जोड़ा जाए, साथ ही बिहार पारा मेडिकल का सत्र नियमित किया जाए। वहीं बाढ़ अनुमंडल के संपादक साहित्यकार प्रोफेसर साधु शरण सिंह सुमन की इलाज के दौरान मौत हो गई, और प्रोफेसर साधु शरण सिंह सुमन की निधन के बाद बाढ़ अनुमंडल शहर में शोक की लहर दौड़ गई, जहां सूचना पर पहुंचे रवि सिंह चौहान ने माल्यार्पण कर अंतिम दर्शन किए और उनकी आत्मा की शांति को लेकर प्रार्थना भी की।
बिहार की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।